हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर गुड सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर सिक्सटीन लाइट ऑफ योर एट्थ क्लास साइंस बुक सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास फाइव सेंसेस होती हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेंस होती है हमारी वो आइज़ होती है जिसकी हेल्प से हम सभी चीजें अपने आस की देख पाते हैं बट क्या अगर किसी अंधेरे रूम में हम हों और आईज हमारी बिल्कुल ठीक हो तो क्या हम किसी चीज को देख पाएंगे हम नहीं देख पाएंगे कहने का मतलब ये है कि बिना लाइट के हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते जब तक किसी चीज पर लाइट नहीं पड़ती हम उस चीज को नहीं देख सकते हैं तो आज हम इस चैप्टर में लाइट के बारे में ही स्टडी करेंगे नेक्स्ट इसमें आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप अपनी पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है सो so, स्टूडेंट्स जैसे कि आप यहाँ पर यह डायग्राम देख रहे हैं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाया गया है इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं फर्स्ट लॉ होता है कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है इंसिडेंट रे का और जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे का वो दोनों सेम होते हैं मींस एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर सेकेंड लॉ इसमें होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो ये एक नॉर्मल पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट होती है ये सभी एक ही प्लेन में लाए करते हैं ये सभी एक ही प्लेन में है. तो ये आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं नेक्स्ट इसमें आता है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन भी दो टाइप के होते हैं फर्स्ट होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इेगुलर रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है जब कभी भी जो रेज होती है, वो किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है बट जो उनकी रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो पैरल नहीं होती तो वो रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है नेक्स्ट आता है इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जब कोई भी इंसिडेंट रे किसी स्मूथ सरफेस पे सेम उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है जितने एंगल पर वो इंसिडेंट हुई है तो वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है जैसे कि मिरर में ये रिफ्लेक्शन होता है सनलाइट वाइट और कलर्ड ये आप अपनी पहली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो सनलाइट होती है उसे हम वाइट लाइट के नाम से भी जानते हैं वो वाइट होती है या कलर्ड होती है इसका क्या होता है कि जब जो वाइट लाइट होती है वो किसी प्रिज्म से टकराकर अपने सभी अलग अलग कलर्स में स्कैटर्ड हो जाती है तो उसके सारे के सारे कलर्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि रेनबो में हमें देखने को मिलते हैं जिन कलर्स को विपग्योर नाम से भी जाना जाता है उनको शॉर्ट में एब्रिविएट करके विबग्योर वर्ड बनाया गया है तो जो सनलाइट होती है वो सेवन कलर्स का मिक्सचर होती है जो कि एक्चुअल में हमें मिक्स होने के बाद व्हाइट नजर आती है तो इसीलिए उसको व्हाइट लाइट भी बोला जाता है सनलाइट को वॉट इज इनसाइड अवर आईज हमारे आई के अंदर क्या होता है जो भी लाइट होती है वो हमारे आइज़ के अंदर एंटर करती है जो हमारे सेंस ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारी आइज ही होती है इसकी वर्किंग और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझेंगे हमारी जो आइज होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है रफली इसमें एक आउटर को कोट होता है आइज़ का जो वाइट कलर का होता है और ये बहुत ज़्यादा टफ होता है जो कि हमारे आइज़ के इंटीरियर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है इसमें एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है फ्रंट की तरफ आइज़ के जिसे कॉर्निया कहा जाता है जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पर जो ये बाहर की तरफ का पार्ट है आउटर पार्ट इसको कॉर्निया बोलते हैं कॉर्निया के जस्ट पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको आयरिस बोला जाता है इसके जस्ट पीछे जो ये ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं ये आयरिस होता है आयरिस के अंदर बहुत छोटी सी एक ओपनिंग होती है जिसे प्यूपिल बोला जाता है जो आयरिस होता है वो हमारे प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है जो ये आयरिस का पार्ट होता है आइज़ में इसकी वजह से ही हमारे आइज़ के कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जैसे किसी की आइज़ का कलर ब्लू है किसी की आइस का कलर वाइट या ग्रे या ब्लैक और ब्राउन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके आयरिस का कलर ब्लू है या ब्लैक है या व्हाइट है या जैसे भी जो भी कलर्स के आइज होती हैं वो एक्चुअल में उसके आयरिस का कलर होता है हमारी आइज में जो आयरिस होता है वो हमारी आइज में कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए उसको कंट्रोल करके रखता है हमारी जो आइज है उसमें जो प्यपल है उसके पीछे एक लेंस होता है जो बहुत ज़्यादा थिक होता है और वो बिल्कुल बीच में होता है तो उस लेंस से उस लेंस की हेल्प से जो है जो भी हम इमेज देखते हैं एक लेयर पर लाइट को फोकस करता है उसे रेटिना बोला जाता है और इस रेटिना से बहुत सारी नर्व सेल्स जुड़ी होती हैं जो डायरेक्ट जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारी ब्रेन में ट्रांसमिट करती है जिसकी वजह से हमको चीजें नजर आती हैं वट इज अ ब्रेल सिस्टम बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है ब्रेल सिस्टम जो लोग नहीं देख सकते विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं उनके लिए ब्रेल सिस्टम बनाया गया है ताकि वो लिख और पढ़ सकें लुइस ब्रेल थे जो खुद से ही विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे उन्होंने ये सिस्टम बनाया था जो कि 1821 में पब्लिश हुआ था ब्रेल जो कोड होते हैं उसमें जैसे कि सी है तो दो दो डॉट्स लिखे जाते हैं ए के लिए सिंगल वन डॉट है और टी के लिए जैसे कि दो लेफ्ट साइड में डॉट हैं और दो राइट right साइड में डॉट हैं तो इस तरीके से हम कैसे लिखेंगे सी ए टी कैट लिखेंगे बट बेल सिस्टम में से किस तरह से लिखा जाएगा दो डॉट सी के लिए सिंगल डॉट ए के लिए और ये फोर डॉट टी के लिए तो जब वो उसको टच करके पढ़ेंगे जो भी तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर कैट लिखा हुआ है तो इस तरह का कुछ ब्रेल सिस्टम होता है जिससे ब्लाइंड जो लोग होते हैं ब्लाइंड पर्सनस होते हैं वो इजीली पढ़ सकते हैं सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा थैंक यू सो मच